नमस्कार, EMS TV में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और आइए नजर डाल लेते हैं देश और विदेश की कुछ प्रमुख खबरों पर। नई दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस द्वारा आयोजित लोकतंत्र बचाओ रैली में सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नागपुर के इशारे पर केंद्र की सरकार चल रही है, संघर्षों ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। वो नहीं जानते हैं कि कांग्रेसी किस मिट्टी के बने हैं, जरूरत पड़ी तो हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। महंगाई की वजह से लोगों को परिवार चलाने में मुश्किल आ रही है, लेकिन मोदी सरकार ने आंखें बंद कर रखी है। भाजपा के राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि CBI अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से पूछताछ करे। इटली कोर्ट ने फैसले को देखते हुए कांग्रेस नेता अहमद पटेल और ऑस्कर फर्नांडिस को भी बुलाकर पूछा जाए कि वे अगस्ता सौदे के बारे में क्या जानते हैं। स्वामी ने कहा, यदि वे सत्य बोलते हैं तो ठीक, झूठ बोले तो मुकदमा चलाया जाए। रक्षा मंत्री परिकर ने कहा कि अगस्ता केस में जांच मुख्य रूप से उन व्यक्तियों पर केंद्रित रहेगी जिनके नाम इटली कोर्ट के फैसले में लिए गए हैं। देश में अधिकांश राज्यों में PM नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनावी कार्ड की बात तो आम है, लेकिन क्या विदेशों में भी ऐसा संभव है? लंदन में हो रहे मेयर चुनावों के माहौल को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। PM नरेंद्र मोदी के नाम का इस्तेमाल लंदन मेयर के चुनाव के दौरान भी हो रहा है। दुनिया का सबसे पुराना हीरा लंदन में नीलाम होने जा रहा है। अगले महीने 29 तारीख को इस हीरे की नीलामी होगी। इस हीरे का नाम लेसेदी ला रोना है। इस हीरे की खोज 100 साल पहले की गई थी। 29 जून को होने वाली नीलामी में इससे $70 मिलियन यानी कि करीब 465 करोड़ की आमदनी होने की संभावना है। नीलामी से पहले इस हीरे को न्यूयॉर्क में सूदबी ज्वेलर्स के हेडक्वार्टर में प्रदर्शनी के लिए रखा जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंकों ने बैंक से कहा है कि वे पनामा पेपर्स लीक मामले में सामने आए भारतीयों की ओर से विदेशी फंड ट्रांसफर की एयरवॉइस जानकारी दें। बैंकों को यह जानकारी लिबरलाइज्ड रेमिनेंट स्कीम यानी कि LRS के तहत जुटाने को कहा गया है। पनामा की लॉ फर्म मोसाक फाइनेंसा ने 500 से अधिक भारतीयों के नाम पनामा पेपर्स में उजागर किए थे। बैंकों को विदेशी फंड ट्रांसफर की जानकारी सालाना आधार पर RBI को देनी होगी। सस्ती दवाओं को हर आदमी तक आसानी से पहुंचाने के लिए अब सरकार जन औषधि स्टोर के लिए डिस्ट्रीब्यूटर बनाने जा रही है। इसके लिए सरकार ने जम्मू और कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर पूरे देश के लिए एप्लीकेशंस मंगाए हैं। सरकार की मार्च 2017 तक देश में कुल 3000 जन औषधि स्टोर खोलने की योजना है। और देश की सबसे बड़ी सिगरेट कंपनी ITC ने अपनी सभी फैक्ट्रियों में सिगरेट का उत्पादन फिर बंद कर दिया है। कंपनी ने सिगरेट के पैकेट पर पिक्टोरियल वार्निंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मद्देनजर यह कदम उठाया है। कंपनी ने जानकारी दी कि उसने 4 मई से ही उत्पादन बंद कर दिया है। इस मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय का आदेश आने तक उत्पादन बंद रहेगा। आखिरकार 32 साल बाद 1984 दंगों के मुख्य आरोपी जगदीश टाइटलर ने सिख समुदाय से माफी मांगने की इच्छा जाहिर की है। उन्होंने कहा कि वह अकाल तख्त साहिब पर पेश होकर लिखित रूप से माफी मांगने को तैयार है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि उनका 1984 में हुए सिख दंगों से कोई भी ताल्लुक नहीं है और ना ही वह किसी रूप से इसमें शामिल थे। 3 साल पहले कथित तौर पर खुदकुशी करने वाली एक्ट्रेस जिया खान की मौत के मामले में उनके बॉयफ्रेंड रहे सूरज पंचोली बुरी तरह घिरते नजर आ रहे हैं। प्रोसिक्यूशन ने मुंबई की स्पेशल कोर्ट की मांग की है सूरज पर जिया के रेप मर्डर और अबॉर्शन कराने का केस भी दर्ज किया जाए। इससे पहले पंचोली पर जिया को खुदकुशी के लिए उकसाने का केस दर्ज किया जा चुका है। और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने पूर्व सपा नेता अमर सिंह के संबंधों में खटास को लेकर दिए बयान पर प्रतिक्रिया जताई है। बिग बी ने कहा कि वह जो कुछ भी कहना चाहे उसे कहने का उन्हें पूरा अधिकार है। एक दिन पहले अमर सिंह ने अमिताभ की पत्नी जया बच्चन पर टिप्पणी की थी। अमर सिंह ने बुधवार को एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि अमिताभ ने जया के परस्पर विरोधी स्वभाव और आदतों पर विचार करते हुए पार्टी में शामिल नहीं करने को कहा था, लेकिन उन्होंने उनके सुझाव पर ध्यान नहीं दिया। सिंह ने पनामा पेपर्स में अमिताभ का नाम आने के बारे में पूछा गया तो बाद में अपने और बच्चन परिवार के बीच किस तरह दूरियां बढ़ी है बताने लगे। पूर्व सपा नेता अलग होने से पहले कई वर्षों तक बच्चन परिवार के काफी करीबी थे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। EMS TV की बाकी खबरें हमारी वेबसाइट के साथ साथ हमारे एंड्रॉइड ऐप पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।